हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट राहुल एंड आज हम आए हैं बर्लिंगटन स्क्वायर। यहाँ पे बुगीज़ मार्केट है, तो मैं आपको आज यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स के व्यूज़ दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा वो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं एंड आपको कैसा लगता है, मतलब आपको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सिंगापुर कैसी जगह है। सो ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ प्रीत भट्ट। प्रीत? या प्रीत भट्ट, मैं गुजरात से हूँ। मेरे एजेंट ने भी सबको बोला था कि इधर भाई स्टडी वीज़ा अच्छा है, ऐसा है वैसा है, पर इधर आके जो प्रॉब्लम है वो है, दिक्कत यही होती है कि स्टूडेंट सब ये सोचते हैं कि इधर सिंगापुर में आके पाथवे है जो जिससे वो यूके जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। इधर सब एजेंट लोग हमको फेक ही बताते हैं और ये सब है। और मेन चीज़ जो बताना चाहते हैं कि इधर जो स्टूडेंट अपने घर पे कर्जा करके आते हैं वो लोग इधर जहर खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। इधर कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो मेन चीज़ यही है कि इधर जो स्टूडेंट आते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है उनके लिए स्टडी अच्छी है, कॉलेज अच्छी मिलती है तो स्टडी अच्छी है, पर इधर की स्टूडेंट की वैल्यू भी ज़्यादा है। नॉर्मली आपके पास एक महीने को आपने फीस कितनी दी यहाँ पे आने के लिए? $5,600। अच्छा, $5,000 दे दिए। उसके बाद हर महीने सर्वाइवल के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं यहाँ पे? हमें $800 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है सिंगापुर जितनी एक्सपेंसिव कंट्री कोई है ही नहीं। हाँ, एक बार तुम्हें आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूके चले जाओ, एक बार अपना बंदा समझ के कोई हेल्प कर देगा, इधर कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। पानी भी नहीं देते हैं यहाँ पे? अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि इधर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को, जॉब मिलती है, स्टूडेंट जॉब भी जाता है 18-18 घंटे, 24 घंटे में से 18 घंटे जॉब करता है, पर उसको सैलरी नहीं मिलती है। परेशान करके रख देते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो लोग होते हैं ब्लैक में, स्टूडेंट होता है ब्लैक में होता है, वो ब्लैक में जॉब करता है तो उसको सैलरी नहीं मिलती है। हाँ, अच्छा मेरे को ये बताओ कि भाई इंडियंस को जो और इंडिया के आपके दोस्त हैं, ब्रदर्स हैं, ये कितने कितने पैसों में आए हैं ये लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं? ये भाई आए हैं, ये भाई 9 लाख खर्च करके आए हैं। 9 लाख रुपए दे के आए हैं ये? अच्छा, तो इनके एजेंट ने बोला था कि मैं तुम्हें यूके भेज दूंगा, तुम चले जाओ सिंगापुर पहले, सिंगापुर बहुत बड़ा पाथवे है। क्योंकि हमारी कॉलेज का नाम है बर्मिंघम, जो लंदन में एक सिटी है बर्मिंघम, तभी लोग उसमें गलतफहमी में एडमिशन ले लेते हैं, बिलीव करके। हाँ, क्योंकि हमको पता था, मैं नॉलेजेबल था कि मुझे पता है कि बर्मिंघम कॉलेज क्या होता है, बर्मिंघम सिटी क्या होती है, फिर इसीलिए मुझे तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं इंडिया में आर्किटेक्ट हूँ और अभी इधर मैं पढ़ रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो मेरे जैसा घटिया इंसान ही कोई नहीं है, जो आर्किटेक्ट है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ रहा है। अच्छा, आप कितने पैसे दे के आए यार? मैं भी 9 लाख दे के आया हूँ, मैं भी सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट हूँ। सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट है आप? इंजीनियरिंग में आर्किटेक्ट किया गुजरात इंजीनियर। अच्छा, तो यहाँ पे आपके एजेंट ने क्या बोल के आपको भेजा? एजेंट ने बोला था यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, हर रोज का $60 मिल जाएगा आपको, 10-10, 12-12 घंटे काम करोगे $60 आराम से मिल जाएगा, $1,000 आपको मिल जाएगा खाने पीने का, $1,000 आप घर पर भिजवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आए तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपके पास रेंट ना हो तो यहाँ पे आपको आसानी से रह लेते हो, अगला महीना निकाल दो? रेंट के बिना हम रह नहीं सकते, और यहाँ सिंगापुर का नियम है कि बाहर सो नहीं सकते, बाहर सो नहीं सकते, तो पुलिस हमें पकड़ेगी, इंडिया भेज देगी, इंडिया भेज देगी, डिपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि इधर रूल्स है, पहला रूल्स ये है कि जो आपका बजट फिक्स ना हो तो वो स्टूडेंट को रखते ही नहीं है। क्योंकि इधर एक ऐसा है कि इधर जो हमारे पीछे, हमारे इधर ये बिल्डिंग के पीछे है लासा टेक कॉलेज, वहाँ 57 कंट्री से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका एक बजट फिक्स होता है कि भाई तुम्हारे पास 20 लाख है तो पहले 20 लाख भर दो, फिर तुम हमारे कॉलेज में एंट्री लो। इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें से 20% ही ऐसे होते हैं जो बच्चे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ सकता है, हमारे पास 20 लाख खर्चने से बाद भी हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम लोग आगे अपना होटल खोलेंगे 4-star 5-star, और मेरा बच्चा अरेंज करेगा सबको कि भाई ये कैटेगरी है, ये है, वो है। पर मीडियम कैटेगरी का बच्चा आता है घर से कर्जा लेकर, इधर आके उसके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो इधर ज़िंदगी कैसे निकालेगा? बिल्कुल, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं, इधर सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने $5,600 कॉलेज को दिए, उसके बाद भी आपको ड्रेस वगैरह के इन सब के पैसे अलग से देने पड़ते हैं? $5,600 पे करते हो, उसके बाद आपको $90 भरने पड़ते हैं स्टूडेंट पास के लिए,
$130 पे करने होते हैं आपको मेडिकल के लिए। आपने इंडिया से जो कोविड वैक्सीन लगवाई है, तीनों तीन टीके लगवा दिए, फिर उसके बाद ये लोग इधर सिंगापुर में अपडेट करवाना चाहते हैं। हाँ। सिंगापुर में आप अपडेट करवाना चाहते हो, $50 से लेके $130 तक आपको पे करना पड़ता है। मतलब जो बच्चे आते हैं वो घर से कर्जा पहले से ही लेके आते हैं, प्लस कि जो थोड़ा पैसा घर वालों देते हैं कि भाई उधर जाके तुझे जॉब नहीं मिली, ये नहीं मिला, तो तू इतने डॉलर रख। पर उनको नहीं पता होता, आते टाइम ही इधर एयरपोर्ट पे रोकेंगे उसको, कई स्टूडेंट है एक किलो दो किलो ज़्यादा ही लेके आएंगे बैग में, तो इधर इंडिया से तो भेज देंगे, इधर एक किलो ज़्यादा निकला तो बोलेंगे $10 भर दे, हम बैग जाने देंगे, पहले वो $10 भरो। फिर तुम्हें जो पिकअप करने आता है, तुम्हारे एजेंट ने बोला होगा कि पिकअप करने के लिए वो आएंगे फ्री में, उसके भी $100 पे करने पड़ते हैं, उसके टैक्सी के भी देने पड़ते हैं, जो तुम्हें पिकअप करने है उसको खाने के देने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। फिर प्लस में आपको बोलते हैं कि आपको घर अच्छा मिलेगा। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा रहने की दिक्कत है, एक घर में 43 पर्सन होते हैं, 43 लोग एक घर में, हाँ 30 से 40 लोग होते हैं, क्योंकि 2 BHK फ्लैट होता है उधर, 35 लोग होते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट। ये शोर मोर मचाते होंगे बच्चे, तो पुलिस नहीं आती अगर? नहीं नहीं, हाँ। शोर मचा ही नहीं सकते क्योंकि इधर शोर मचाने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बच्चा आता है 15 दिन में उसको बेडबग्स काट लेता है। अरे बेडबग्स? हाँ, बेडबग्स जो हमारे इंडिया में कुत्तों के ऊपर होते हैं उसको गुजराती में बोलते हैं झिंगोड़ी, माकड़ झिंगोड़ी। वो क्या होता है, वो ऐसे चिपक जाता है फिर खून चूसता है। अच्छा, बेडबग्स होते हैं? बेडबग्स होते हैं, वो आपने देखा होगा, ये गोरे लोग को ऐसे रेड ऐसे चाटे पड़ जाते हैं, वो बेडबग्स के होते हैं। और बेडबग्स आपको एक बार काट जाए उसकी, इधर क्या है कि उसको आप दवाई करने जाओगे $130 वन टाइम के देने पड़ते हैं, वन टाइम के। इतना मेडिकल एक्सपेंस इतना महंगा है यहाँ पे, एक्सपेंस तो इधर बहुत ज़्यादा है। इधर इंसान मर जाए तो अच्छा है, पर उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपको कॉलेज ने बुक्स वगैरह और ड्रेस तो फ्री दी होगी? नहीं दी, एक टी शर्ट दी है फ्री, बुक्स होती ही नहीं इधर। अच्छा, इधर बुक्स नहीं होती है? नहीं होती, वो एजेंट को कमाने के लिए वो लिखते हैं कि हम आपको बुक्स देंगे, हम आपको इतनी फैसिलिटीज देंगे। अच्छा, यहाँ पे बुक्स वगैरह नहीं होती है? और जो क्लासेस आपकी होती हैं वो सिंपल होती हैं, आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो कि वो भी? एक चीज़ है, जो चाइनीज लोग होते हैं वो इंग्लिश बोल पाते हैं, वो इतने समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो हम समझते हैं, पर वो जो इंग्लिश बोलते हैं वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो लोग थिंकिंग को बोलते हैं थिंकिंग। यस, थैंक यू। वो लोग आपको जो प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं वो तो समझ में आता होगा? प्रोजेक्टर पे जो दिखाते हैं वो हम सिर्फ समझ सकते हैं, वो सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, वो हम अपने दिमाग में नहीं डाल सकते। अच्छा अच्छा, और आपको ये क्या लगता है, आपने अभी अभी आपको कितना टाइम हो गया सिंगापुर में? मुझे 5 महीने। 5 महीने इंटर्नशिप में क्या बोला है, कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी तो सब बोलते हैं कि हम तुम्हें 1800 की देंगे, 2000 की देंगे, पर वो सिर्फ एजेंट बोलता है। इधर आओ, फिर कॉलेज वालों के क्या होता है, आपको दो चांस देते हैं, एक 800 की देते हैं, $800 की, $800 की, एक $900 की। आपको पता है कि $900 में मुझे खाना ही सिर्फ देने वाले हैं, रेंट आपका रेंट है, अच्छे अच्छे घर में रहोगे तो 400 रेंट हो जाएगा आपका, तो फिर आप सर्वाइव कैसे कर सकते हो? 900 में से $400 वो निकाल दो। नहीं, जो एजेंट बोलते हैं कि भाई आपके 6 महीने के बाद 6 महीने जो आप जॉब करोगे उसमें सब कवर अप हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और इधर सिंगापुर ने अभी नया रूल निकाला है कि आप जॉब ब्लैक में जॉब करते हो, पकड़ा गए तो $20,000 फाइन। $20,000 फाइन है? $20,000 मतलब कि कोई मीडियम कैटेगरी का इंसान हो उसका पूरी जिंदगी निकल जाती है उसमें, वो इकट्ठा ही नहीं कर सकता इतना। या 2 साल के लिए? नहीं, यहाँ पे बोलते कि एस पास बहुत आराम से मिल जाता है, सारे स्टूडेंट्स को मिलता है। ओ माय गॉड, एस पास किसको मिलता है कि आप एक ही जगह पे, मींस के 7-Eleven है, फेयर प्राइस है, फिर सिंग सॉन्ग करके चाइनीज है, जो 7-Eleven अपना फेयर प्राइस है वो अपने इंडियनों के लिए, जहाँ वेजिटेरियन सब कुछ मिलता है, वैसा ही चाइनीज लोगों के लिए सिंग सॉन्ग है। उधर है चाइना के जो लोग आते हैं, अपने इंडिया से आते हैं, वो फेयर प्राइस और 7-Eleven में काम करते हैं, और जो चाइना से आते हैं वो लोग करते हैं सिंग सॉन्ग में, और कई ऐसी ब्रांच है वहाँ पे जॉब करते हैं। मतलब मेरा कहना तो इतना ही है कि सिंगापुर में इतनी लाइफ ईजी नहीं है स्टूडेंटों के लिए, जिनका बजट नहीं हो वो इधर आ ही नहीं सकता है। सिंगापुर में अगर वर्क परमिट या कोई ऐसे पास डायरेक्टली लग रहा हो तो उस पर आना ठीक है कि नहीं है?
अगर वर्क कोई वर्क परमिट परमिट पास टाइप है, मिल रहा वर्क हो, परमिट पास है जैसे उसमें टीपी हो गया, ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास, जो नॉर्मली मेरे ख्याल से तो $3,000 का लग जाता है, नहीं, उस पे लग तो जाता है, लग तो जाता है। आपको जो पास चाहिए वो इधर आपको ऑफर में मिलता है, सेल के जैसे कोई भी आपको मिलेगा वो आपको बताएगा आपको ये पास चाहिए वो पास चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्क परमिट पास होता है उसमें आपको मिलता है $800, पर उधर आपको क्या है $800 में सुबह 7 बजे जाना है, रात को 9 बजे छूटना है। उधर आपको काम क्या करना है, इधर मजदूरी करनी है। वो बड़े बड़े ब्लॉक दे देते, ये उठा के उधर रख दे, उनके पास कुछ काम नहीं, उनको पता है आज मेरा काम खत्म हो गया, पर इनके पास 3 घंटे और बचे तो बोलेंगे काम कर दे, ये ब्लॉक ऐसे नीचे रख दे, वो आओ फिर भी 1.5 घंटा बचा, एक काम कर फिर उसको सेटअप कर दे। वो ऐसे काम तो करवा ही लेंगे आपसे, वो ऐसे मुफ्त में आपको बैठने नहीं देंगे। वो हम जायज रखते हैं कि भाई वो पैसे दे रहा है काम करवाएगा, पर $800 इज नॉट इनफ। नहीं, इवन जो स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं या फिर कोई काम करने आ रहा है तो बेटर तो ये है ना काम करने आ जाओ, स्टूडेंट वीजा से तो अच्छा ही है। आप स्टूडेंट वीजा आप, में आप एक बार वर्क परमिट वाला जो है उनको भी पूछ लो। नहीं, वर्क परमिट तो ठीक है, मैं और भी पासेस बोल रहा हूँ, बहुत बार इंडिया में ऐसे पासेस निकलते हैं जैसे ई पास हो गया, एम्प्लॉयमेंट वीजा हो गया। एम्प्लॉयमेंट वीजा वो आपको लगता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा आप एक बार पूछ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट वीजा कब मिलता है, क्योंकि आप पूछ लीजिए एम्प्लॉयमेंट वीजा कब मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था आपसे, आपका आपका बोलने का क्या मतलब है कि इंडिया से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स को? मैं तो इतना बोल रहा हूँ, स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, जो इधर कमाने के लिए नहीं सिर्फ अपना फ्यूचर के लिए आता हो, क्योंकि इधर का जो आपको स्टडी वीज़ा मिलता है, स्टडी वीज़ा, और आपको इधर की जो डिग्री मिलती है, मैं इतना सच बता रहा हूँ कि इधर की डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिंगापुर में कई कॉलेज ऐसी है जिसकी डिग्री की वैल्यू ऐसी है कि आप USA में अप्लाई करोगे, UK में अप्लाई करोगे, आपको तुरंत वो लोग अप्रूवल दे देंगे। वो देखेंगे भाई ये सिंगापुर में ये कॉलेज में पढ़ा है तो वो अप्रूवल दे देंगे। पर इधर लेकिन उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, IELTS होना चाहिए आपके पास, GMAT GRE मांगते हैं। आपको सब कुछ आपकी एक देखो एक बात है, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आएगा उसके पास पैसे नहीं होंगे, प्लस कि वो पढ़ाई करता होगा तो गुजराती होगा, गुजराती मीडियम में पढ़ता होगा, वो पंजाब से होगा वो पंजाबी में पढ़ा होगा या हिंदी भाषी में पढ़ा होगा, पर उसको इंग्लिश की इतनी नॉलेज नहीं होगी। और इधर क्या है कि ऑस्ट्रेलियन और सब कुछ ज़्यादा है, इधर आपको लगता है ये बिल्डिंग चाइनीज़ की होगी, पर ये बिल्डिंग चाइनीज़ की नहीं है, ये सिर्फ हैंडलिंग चाइनीज़ करता है, पर उसके पीछे पैसे तो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ने ही लगाए होंगे, बात ये है। तो आपको इंग्लिश नहीं आती, और ऑस्ट्रेलियन जो होता है वो अपनी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताता है, वैसे चाइनीज भी वैसे करता है कि अपनी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताता है। फिर जो स्टूडेंट आता है इधर वो कैसे इधर सर्वाइव कर सकता है? राइट, बिल्कुल सही बात है। तो देखा आपने अभी देखा नहीं है कि आप कभी किसी भी बीच है इधर सिंगापुर में, ईस्ट कोस्ट बीच, उधर जाके देख लेना कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग बैग लेके उधर सोते हैं क्योंकि उनके पास रेंट नहीं है। और इधर पुलिस की रेड पड़ती है तो क्या होता है कि जब पुलिस और MOM आती है ना तो बच्चे को बैग लेके घर से निकल जाना पड़ता है। अब बच्चा घर से पहले से ही 5 लाख खर्च करके आया हो तो वो अपने घर पे ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैं इतनी तकलीफ में हूँ मुझे पैसे चाहिए, उसको अपनी घर की कंडीशन पता है कि मैं मांगूंगा मेरे बाप का क्या होगा। सो देखिए गाइस, ये होता है सिंगापुर में अगर आप किसी गलत एजेंसी के चक्कर में पड़ जाते हो। ये गुजरात से हैं एंड इन्होंने अपनी इतनी प्रॉब्लम्स दिखाई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग सोच के आते हैं कि हाँ सिंगापुर में पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग हो जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल है, जिसके ऊपर फ़ाइन होता है। तो सोच समझ के आइए, एजेंट को एक भी पैसा देने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, आपको सर्वाइवल के पैसे होने चाहिए। मान लो 4-5 लाख रुपए की फ़ीस है तो उसके साथ आपके पास लगभग 3-4 लाख रुपए अपने पास होने चाहिए, तभी आप सिंगापुर जैसी कंट्री में सर्वाइव कर सकते हो गाइस। एंड यही था मेरा वीडियो बनाने का मोटिव, आपको बताना, आपको जागरूक करना कि यहाँ पे कैसे होता है। देखने में सब कुछ आसान लगता है, सब अच्छा दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे लोगों की क्या इंटेंशंस होती हैं, क्या करना चाहते हैं लोग, कमीशन एजेंट्स को क्या मिलता है कमीशन, लेकिन लाइफ आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स की सफ़र करती है यहाँ पे गाइस। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज की ओरिजिनल फीस है $3,000, पर हमारे पास एजेंट लेते हैं $5,600। ये बात मैंने, और सिंगापुर की कोई भी कॉलेज ले लो आप, गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा भी, और यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज एक दो ही है, उससे ज़्यादा सब लोग अपनी पर्सनली कॉलेज खोल के बैठे हैं, और उनको भी पता है कि इधर इंडियन स्टूडेंट है वो ओवरसीज जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राइट।
उसी का फायदा उठा के ये लोग ने ये बिजनेस कर दिया इधर। और आपने जो नाम सुना भी नहीं होगा, उनको पता है कि भाई उधर लंदन में एक ऐसी सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम, ठीक है, उसी वजह से हमारी कॉलेज का नाम लकड़िया बर्मिंघम, राइट। इन्होंने भी सोच समझ के ये किया ताकि लोगों को ये लगे कि बर्मिंघम एकेडमी में यहाँ से यहाँ होगे तो आप आगे चले जाओगे, यूके चले जाओगे। वो सिटी है, वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, राइट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। ये बताने का मेरा मोटिव यही था कि हमारे जैसे कितने स्टूडेंट अपने घर से पैसे खर्च करके आते हैं और उनके पास इधर आके सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं होते। थैंक यू। सो देखिए, इन्होंने और भी बातें बताई, तो सोच समझ के आप अप्लाई कीजिए। एंड यहाँ पे लाइफ बहुत टफ है, एंड कोई भी परमिट पे आना है तो दूसरे वीज़ा पे आप आइए, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन स्टूडेंट्स वीज़ा पे। स्टूडेंट्स वीज़ा में यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस। सो थैंक यू सो मच। एजेंट्स का कुछ बताने का है, ये बच्चे हैं जो ये सारी बातें बोल रहे हैं। सो थैंक यू अगेन, एंड होप आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो। थैंक यू अगेन, बाय बाय।